नमस्कार दोस्तों, जसप्रीत की क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किम योंग उन, द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, की चाइना यात्रा के बारे में। किम योंग उन जो है, इन्होंने लगभग 6 साल पहले कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का राजभार संभाला। इनकी ये पहली विदेश यात्रा थी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2018 में, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, किम योंग उन ने एक राजनीतिक भाषण, एक सभा में भाषण देते हुए कहा अपने, खैर बूस्ट तो हमेशा न्यूक्लियर पावर का तो हमेशा बूस्ट करते ही हैं, हर रोज हर पल वो अपना बूस्ट करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम अमरीका का ये कर देंगे, फलाने का ये कर देंगे, ढमकाने का ये कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें। यही मौका था जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट थे, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन, उनको एक मौका मिल गया, एक डिप्लोमेटिक ओपनिंग मिल गई नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने के लिए। उन्होंने अपने एनवॉयज, अपनी एक टीम वहाँ पे भेजी और उनकी काफ़ी बातचीत वगैरह चलनी शुरू हुई, बेसिकली विंटर ओलंपिक्स के बारे में। कुछ ही टाइम में उन्हीं एनवॉयज के थ्रू एक डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वो था कि भाई जो सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया किम योंग उन वुड लाइक टू मीट हिम पर्सनली इन द प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मई और जून। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ट्विटर पे भी ट्वीट किया दैट आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग दिस रॉकेट मैन, दिस छोटा सा रॉकेट मैन जिसको कहा उन्होंने, क्योंकि इसकी हाइट भी छोटी है, गोल मटोल सा है। अब 6 साल बाद ये चाइना आता है। चाइना कैसे आता है? ट्रेन में आता है। इसके फादर जो थे, इससे पहले जो राज कर रहे थे, किम योंग इल, वो भी 6 साल जब उनका राज हुआ उसके बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा की, और वो भी हवाई यात्रा नहीं करते थे। हवाई यात्रा ना करने का उनका भी, और शायद इसका भी एक ही कारण है कि अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ये चिंतित रहता है हमेशा इसको, क्योंकि जितना बड़ा राजा होगा, जितने उसने जैसे काम इसने किए हैं वैसे ही उसको फल मिलता है, तो उसको ये खतरा हमेशा बना रहता है ऐसे लोगों को, सेफ्टी सिक्योरिटी का। तो ये ट्रेन से, नॉर्थ कोरिया से ट्रेन चली इसको लेके, मार्च में ये चाइना पहुंच गया। साउथ कोरिया जिसे सोच रहा था कि भाई एक बहुत बड़ी अब ओपनिंग है अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया, अब वो ओपनिंग जो थी उसको भी एक धक्का लगा और चाइना ने ये बता दिया अमेरिका को दैट एनी ओपनिंग, या जिसको कहें कि नॉर्थ कोरिया जाने का रास्ता साउथ कोरिया से नहीं बल्कि चाइना से है। मार्च के एंड में ये यहाँ पे आए और इन्होंने प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से मुलाकात की, गार्ड ऑफ ऑनर लिया, इनका बहुत रेड कारपेट स्वागत हुआ। और अब मीटिंग में क्या क्या हुआ वो कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आया, लेकिन उसके बाद सी जिनपिंग ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी ये बताया फ़ोन करके, जिसको कि आज सुबह यानी कि मार्च 29, 2018 को ट्वीट करके प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दैट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप सून, एंड डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज़ आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम एंड थिंग्स आर ऑन ट्रैक, इट लुक्स लाइक थिंग्स आर ऑन ट्रैक, बट चाइना ओनली वॉन्टेड टू शो हु इज़ द किंग एंड on basically on this issue, who is the king and who is the boss, who must have been consulted before going forward to meeting the North Korean leader. और हमेशा से benefactor रहा है, शुरू से ही चाइना ने इसको काफ़ी मदद की है, इसको आर्थिक तौर पर काफ़ी मदद दी है, हथियारों के तौर पर भी मदद दी है, जबकि इसके ऊपर इतने sanctions लगे हुए हैं। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही लिखा दैट सैंक्शंस और ज़्यादा सख्त करूंगा, मीटिंग अपनी जगह लेकिन सैंक्शन सख्त करेंगे जब तक ये सुधरता नहीं है। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द मीटिंग दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैव्स विद किम योंग उन इन द कमिंग फ्यूचर, मे बी इन 1 or 2 months,
और उम्मीद है कि पॉजिटिव होगी और ये जो प्लैनेट है हमारा ये पीसफुल आगे और ज़्यादा पीसफुल होगा। धन्यवाद।